वेल well you, well. you are वेल यू आर you टाइम यू आर time टाइम यू आर your योर मोमेंट्स यू आर इन heaven यू आर ऑन क्लाउड nine यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आशा उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ है वो बिल्कुल मस्त होगी एंजॉय कर रहे होंगे चलेगा हम ऑडिबल प्रॉपर्ली तो हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का जो हमारा सेशन है फॉर द टाइम बिंग यू नीड टू डू वन थिंग जो अभी ये लिंक मिला है इस वीडियो का इसको शेयर कर लीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ और हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉप ट्वेंटी क्या टॉप ट्वेंटी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखिएगा साथ में आपको प्रनंद बताई जाएगी प्रनंद आपको बताई जाएगी साथ में और ट्वेंटी हमारे क्वेश्चन हैं लेकिन अराउंड अराउंड ये मान करके चलिए आप 80 वर्ड्स हम लोग नए सीखने वाले हैं जी बिल्कुल जी बिल्कुल तो चलिएगा डीयर्स हम लोग रुक करते हैं अपनी स्क्रीन का एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या भाई स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड व्हाट जूलॉजी रेडियोलॉजी ऑपथलमोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी तो एक बार फटाफट आप अपना जवाब लगाइएगा और चेक करिएगा एक बार कि सही आंसर क्या हो सकता है फॉर फोर ऑप्शंस चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं देखिएगा जूलॉजी है रेडियोल रेडियोलॉजी है और ऑप्थलमोलॉजी है और ऑर्निथोलॉजी है तो एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा उसके बाद में देखते हैं कि सही जवाब किसका का स्टीक बैठता है फॉर द टाइमिंग कमेंट सेक्शन की तरफ चलते हैं विधि अलावा विधि आपका स्वागत है गुड इवनिंग और दिशा गुड इवनिंग आई होप यू आर कीपिंग वेल साहिल आई एम कीपिंग वेल डियर एंड आई होप यू आर आल्सो कीपिंग वेल विकास वॉस गुड इवनिंग डियर इशु दलाल गुड इवनिंग और पगलू डी सी हेलो हाउ आर यू फीलिंग टूडे लक्ष्य ढागा गुड इवनिंग और शुभम बेटे डेफिनेटली आई एम कीपिंग वेल एंड आई होप यू आर ऑल्सो कीपिंग वेल और साथ में अभी दीक्षा बिटिया तो आपका स्वागत है गुड इवनिंग आई होप यू आर कीपिंग वेल और इसके साथ में सुशांत नसीर इज़ देयर गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग देवदेव जांगड़ा जो कि जिया हैं तो जिया बेटे आपका स्वागत है आई होप यू आर योर मोमेंट्स चलिएगा चलिएगा और हर्ष देशवाल जो कि हर्ष है सैनिक स्कूल से क्या बात है हर्ष बहुत ही बढ़िया डी चलेगा आपका स्वागत है तो आप लोगों ने जवाब लगा दिए हैं और एक बार देख लेते हैं कि जवाब क्या आया है फर्स्ट का डी ऑप्शन आपने लगाया है फर्स्ट का फोर्थ लगाया है यहाँ पर किड्स वेली कॉन्वेंट स्कूल भी अभी ऑनलाइन है कथूरा से तो बड़ा ही अच्छा काम आप लोग भी कर रहे हैं डेफिनेटली आपका स्वागत है चलिएगा फर्स्ट का डी आप लोगों ने लगा दिया है यानी ऑर्निथोलॉजी आपने बोला है स्टडी ऑफ बर्ड्स लेकिन चेक ये करना है कि क्या ये सही जवाब है जुलॉजी जो होती है वो हमारी क्या होती है जुलॉजी यू अंडरस्टैंड रियली वेरी वेल वनस्पति विज्ञान जो होती है वो जुलॉजी बोली जाती है रेडियोलॉजी जो होती है वो एक्सरे विभाग होता है सारा एक्सरे की जो भी स्टडीज होती हैं वो हमारी रेडियोलॉजी होती है ऑप्थल्मोलॉजी जो होती है ये हमारी किसकी होती है आइज की स्टडी जो होती है क्या आइज की स्टडीज जो होती है उसको ऑप्थल्मोलॉजी बोला जाता है जबकि ऑर्निथोलॉजी है ये स्टडी ऑफ बर्ड्स होती है और बिल्कुल सही जवाब है बोस यानी कि फर्स्ट का डी इज द राइट आंसर सो इसको लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा जी बिल्कुल जी बिल्कुल कुछ और हमारे व्यूअर्स बाकी थे एक बार देख लेता हूँ कौन कौन है तो हर्ष के बाद में प्रियंका मलिक हेलो बेटा हाउ आर यू फीलिंग टुडे हर्ष देशवाल कूल डियर आई होप यू आर आल्सो कीपिंग वेल और प्रिंस बेटे स्वागत है आपका रचना मलिक हेलो डियर और इसी के साथ में रिंकू खत्री राम राम भाई रावत चलिए अभी आप लोगों ने जवाब लगाना शुरू कर दिया था तो फर्स्ट का जो फोर्थ था वो बिल्कुल सही जवाब था इसको लॉक करके आप बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा चलेगा भव्या भव्या के साथ में क्या था सिक्का ये भव्या है या भव्या है एक बार बताइएगा आपका स्वागत है वेलकम चलेगा हियर वी गो फॉर सेकेंड क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड थोड़े से टाइम का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा बोलिएगा फटाफट बताइएगा फोर आर राइट ये फोर ऑप्शन ट्रांजिट एडहॉक ट्रांजिशनल या डायरनल तो एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा और फिर चारों जो ये वर्ड्स है इनका पोस्टमार्टम करेंगे बॉस गुड इवनिंग पगलू डी सी गुड इवनिंग डियर डे इज करेक्ट आंसर डेफिनेटली बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है uh, खलनायक कौशिक इज देयर हेलो सर हेलो जी हाउ आर यू फीलिंग टुडे चलेगा दीक्षा बेटिया का जवाब आ गया है लेकिन लक्ष्य ने यहाँ पर एड होक लगाया है लक्ष्य बेटे आज फिर से पानी पी करके बैठने की जरूरत है क्या ऐड होक कई बार बता चुका हूँ ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है लिया गया वर्ड है जिसका मतलब स्पेशल होता है सेकंड का ए लगा दिया है अभी दीक्षा ने और लक्ष्य ने बी लगाया है जबकि दीक्षित शोरान ने सेकंड का ए के साथ गए हैं और खलनायक है कौशिक राम जी रचना मलिक ने सेकंड लगाया है संजीत नरवाल यानी कि रौनक गुड इवनिंग डियर सेकंड का ए लगा दिया है रिंकू ने तो चलेगा शुभम ए के लिए गए हैं प्रदीप मलिक भी ए के लिए गए हैं चलिएगा प्रिंस बेटे आंसर भी लगा दो एक बार फटाफट ट्रांजिट जो होता है उसका मतलब क्या होता है पासिंग विद टाइम टाइम के साथ साथ जो पास होता जाता है गुजरता जाता है उसको ट्रांजिट बोला जाता है टाइम के साथ में हमारी कई सारी एलिमेंट होती हैं, कई सारे घाव होते हैं तो ट्रांजिट आप हाँ इसको बोल सकते हो, का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि स्पेशल होता है ट्रांजिशनल जो होता है ये इसका मतलब टेम्परेरी होता है यानी कि ऑफ अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है बोस लगा लीजिएगा डायरल जो होता है वो सिर्फ दिन के टाइम पर घटित होने वाला होता है जो दिन के टाइम पर घटित हो उसको डायरनल बोला जाता है यानी कि यहां पर ट्रांजिशनल इज राइट आंसर और ऑप्शन सी को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर लीजिएगा सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है उसका सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है बोस थोड़े से ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है थोड़े से ध्यान से देखिएगा एनीथिंग रिटर्न इन अ लेटर आफ्टर इट इज साइंड कोई भी चीज सिग्नेचर होने के बाद उसके अंदर लिखी जाती है तो इसको क्या बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट स्क्रिप्ट एक बार फटाफट बताइएगा अपना जवाब लगाइएगा एक बार और बड़े ही ध्यान से जवाब लगाइएगा साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हैं डीयर्स क्वेश्चन नंबर भी लिखिए एबीसी या डी है जो कौन से वाले क्वेश्चन का आंसर आपने लगाया है यह भी आप साथ में बताइएगा थर्ड का सी आपने बोला है अधिकतर बच्चे गए हैं थर्ड के सी के साथ अच्छा जी सबने वोट डाल दी है सी के पक्ष में इंडोर्समेंट लेकिन अभी चेक ये करना है क्या आपका जवाब सही है गूगल बाबा की हेल्प मत लीजिएगा मत लीजिएगा इंडोर्समेंट जो होती है वो किसी भी चीज का अप्रूवल होता है किसी भी चीज का अप्रूवल जो होता है अप्रूवल को इंडोर्समेंट बोला जाता है भाई क्या अप्रूवल को बोला जाता है बिल्कुल बिल्कुल और जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन जबकि अडेंडम या पोस्ट स्क्रिप्ट है दोनों ही इसके सही जवाब हैं अरे यार अडेंडन अडेंडम को आप लोग एड से तो देखिए एड करना और नीचे जो पोस्ट वर्ड आया है पोस्ट स्क्रिप्ट में पोस्ट का मतलब क्या होता है बाद में होता है तो यार इनसे तो अंदाजा लगाइए ना कम से कम तो भाई ऑप्शन बी या डी में से भी अगर एक भी आपने चूज कराया तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी एंड डी बोथ आर करेक्ट आंसर्स गुड इट यानी कि अडेंडम या पोस्ट स्क्रिप्ट बिल्कुल सही है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जबकि एंडोर्समेंट अप्रूवल होता है भाई तो देखिएगा यार थोड़े से ध्यान से जवाब लगाओ आज पता नहीं ध्यान कहाँ है आप लोगों का थर्ड का डी दी अभी दीक्षु ने बोला है प्रदीप मलिक ने डी बोला है चलिए मनी पेड टू फ्री अ प्रिजनर किसी कैदी को फ्री करवाने के लिए जो पैसा पे किया जाता है ये खासकर अंडर टेबल होता है ठीक है तो उसको क्या बोला जाता है रेंसम फनरल प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस वर्ड हमने वो के सेशन में याद किया था प्रयोग और नाश से याद करिए बिल्कुल इस तरीके से जो दोपहर वाली हमारी वोकेबलरी है वो काम आएगी भाई और वोकेबलरी तो सारे ही सेशंस में काम आएगी और सारे ही आपके जितने भी पेपर्स आप हों लोगे जितने भी एग्जाम्स आप लोगे जितने भी टेस्ट आप लोगे उनके अंदर वोकेबलरी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और इसी के साथ बता देता हूँ फाइव प्लस वर्ड्स आपके टिप्स पर हमारे लगभग सारे ही सेट्स रेडी हैं और सारा हमारा सिलेबस रेडी है तरीका आपको बता दिया है बार बार नहीं नहीं बताऊंगा आज मैंने दिन में ही आपको आपको बोला था कि भाई इसका जो ये ये लिंक है वीडियो का ये आपको नहीं भेजा जाएगा और ये एक अगस्त तक तो आपका चल जाएगा एक अगस्त के बाद में सिर्फ जो पेड स्टूडेंट्स होंगे भाई उन्हीं के पास जाएगा तो रेंसम फनरल प्रोग्नोसिस या इनफ्चुएशन फोर वर्ड्स आर राइट हियर एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा ए आपने लगा दिया है विधि प्रिंसी रिंको खत्री शुभम भव्या रचना मलिक ओके ओके अरे डाउट्स की आपने याद दिला दी दिशा भाई थोड़ा सा भी टाइम नहीं था लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड इट रियली वेरी वेल मुझे कल पक्का याद दिलाना और हो सकता है आपको दोबारा मेरे मुझे सेंड करना पड़े तो चलिएगा इन फैचुएशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है इनफेचुएशन यानी डी से मैं शुरू कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग लव और सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होती है उसको इनफेचुएशन बोला जाता है स्ट्रोंग लव और सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होती है उसको इनफेचुएशन बोला जाता है प्रोग्नोसिस वर्ड हमने याद करा प्रयोग और नाश से यह प्रयोग आपके जिंदगी में सर्वनाश ला देगा इस बात की मैं भविष्यवाणी करता हूं तो प्रोग्नोसिस का मतलब हो गया भविष्यवाणी करना फनरल जो होती है वो अंतिम क्रिया होती है किसी की दाह संस्कार वगैरह होता है <coughs> जो होती है वो फिरोती होती है वैसे तो ठीक है किसी का एप्डिकेट कर लिया जाता है किसी को तो फिर रैनसम मनी मांगी जाती है पैसा यानी कि उसको छुड़ाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको फिरोती बोली जाती है चाहे वो कैदी को छुड़ाने के लिए दो या किसी आम आदमी को छुड़ाने के लिए दो तो यहां पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ लोक को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक मार दीजिएगा चलिएगा फिफ्थ क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आने वाला है और ये आ गया है हैविंग मोर देन वन मीनिंग इज कॉल्ड वॉट होमोनिम्स विंडिक्टिव एम्बिगुस या आपका वर्ड आ चुका है डी थोड़ा सा गजब का वर्ड है भैया तो ये वीरेंद्र सहवाग से इसको जोड़ करके मत चलिएगा तो फोर ऑप्शन राइट यार एक बार लगा लीजिएगा फटाफट <coughs> चलिएगा चलिएगा अभी लाइफ की उस स्टेज पर हम लोग पहुंच चुके हैं हम लोग तो नहीं यार मैं पहुंच चुका हूं जहां मुझे आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी तो फोर्थ का ए था प्रिंस बेटे कौन से वाले लैपटॉप पे काम कर रहे हो आपका प्रोसेसर है काफी आ, स्लो है शायद फिफ्थ पे आ चुके हैं बेटे दीक्षु शोरान गए हैं विधि ने वन लगा दिया है लक्ष्य ने वन लगा दिया है कोणार्क मित्तल ने फोर्थ का ए बताया था चलिए और दीक्षु ने फिफ्थ का ए लगाया है थ्री भी लगाया है क्या बात है मेरे ख्याल से टू और बाकी एयर वो भी लगा लो <laughs> टू और बाकी वो भी लगा लो एक साथ <laughs> कोई ना कोई तो मिलेगा चलिए मूवीज काउंट डाउन यानी कि दिशा ने हार्मोनियम्स बता दिया है भाई यहाँ पर मैंने आपको ग्रामर की दो तीन टर्म्स बताई थी भाई लेकिन शायद याद नहीं है बिकॉज ध्यान तो वार्तालाप में रहता है आप लोगों को मैं देखता हूं जैसे ही इसका ये लिंक ये हमारा इवेंट क्रिएट हो जाता है कि भाई नौ बजे लाइव आएंगे कुछ बच्चे आकर के यहाँ पर बड़ी वार्तालाप करते हैं और स्टिल फील्ड टू सेंड कि ऐसी कौन सी वार्तालाप होती है यार है ना ध्यान तो वहाँ वार्तालाप में चला जाता है मैंने आपको यहाँ पर टर्म्स बताई थी एक बार मैंने होमोफोन्स का जिक्र किया था देखिएगा मैंने आपको बताया था होमो का मतलब होता है भाई सेम और फोन्स का मतलब होता है साउंड यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड तो सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है जैसे नोट का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नोट के ऊपर हमने कितने सारे वर्ड्स याद किए थे एन ओ टी भी नोट होता है एन ओ टी ई भी नोट होता है एन ए यू जी एच टी भी नोट होता है के एन ओ टी भी नोट होता है एन ओ यू जी एच टी भी नोट होता है यानी कि इनकी साउंड तो सबकी नोट ही है यानी कि एक जैसी है लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है ऑल द सेम वर्ड तो एक होता है लेकिन उसके मतलब होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जैसे एक वर्ड दे दिया मैंने रूम रूम का मतलब कमरा भी होता है कक्ष कमरा भी होता है रूम का मतलब जगह भी होती है जैसे रेन का मतलब बारिश होना भी होता है और बारिश भी होती है मिल्क का मतलब दूध भी होता है और दूध निकालना भी होता है गेटिंग माई पॉइंट तो इसको हम लोग होमोनिम्स बोलते हैं उसको होमोफोन्स बोलते हैं यानी कि साउंड एक जैसी है और मीनिंग डिफरेंट है <coughs> होमोफोन्स और यहां पर वर्ड एक है और मीनिंग डिफरेंट है तो इसको होमोनिम्स बोला जाता है ठीक है उसके बाद में <coughs> यहां पर है भाई विंडिक्टिव है आपका यानी कि हु इज सीकिंग फॉर अ रिवेंज ऑन समबड़ी किंग फॉर अ रिवेंज ऑन समबड़ी जो किसी से बदला लेने की फिराक में हो बदला लेने का इच्छुक हो उसको हम लोग विंडिकटिव बोलते हैं उसके बाद में ambiguous है, जो अनक्लियर होता है अनक्लियर चीजें जो होती है उसको एम्बिग्वस बोला जाता है वेरुलेंट जो हमारा वर्ड है ये क्या होता है हाईली इनफेक्शस होता है जैसे अभी ये अपना कोविड नाइनटीन चल रहा है, है ना आ, तो ये जो है ये हाईली इनफेक्शस है तो इसको हम लोग विरुलेट बोलेंगे ठीक है तो यहां पर ऑप्शन ए को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एंसरियस स्पेलिंग चेक करिए विधि। हाईली जो होता है फिफ्थ का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है चलेगा डियर्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिकवर्ड क्या इनकेबल ऑफ बींग रिकवर्ड इज कॉल्ड वॉट क्या बोला जाता है इन इनसॉल्वेबल इनकमपैटिबल इनविजिबल तो एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा इन देखिएगा टेंजिबल हम लोगों ने किससे याद करा था तानजी से तानजी ने ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया है जो बिल्कुल स्पष्ट है बिल्कुल क्लियर है लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया इनटेंजिबल तो टेंजिबल जो वर्ड हमने याद किया था वो काम आया ना इसी तरीके से वोकेबलरी तो सारे ही टेस्ट के लिए बड़ी जरूरी है भाई कोई भी पेपर लो आप कोई भी टेस्ट देने की आप अगर इच्छा रखते हैं तो वोकेबलरी आपको करनी ही करनी है और वोकेबलरी वहां पर कहाँ कहाँ आएगी देखिएगा अनसिन पैसेज में आपके काम आएगी वो कैबलरी एंटोनम्स इनोनम्स में काम आएगी आपकी वोकेबलरी और तो और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी आपकी वोकेबलरी काम आएगी तो आपको कितना कितना जरूरी है वो कैब याद करना और इसके लिए कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब भी नहीं है स्क्रीन के ऊपर स्ट्रोल कर रही है चीजें देखिएगा 499 में आपको पूरा साल पढ़ाया जाएगा प्लस 499 का आपका मटेरियल मिलेगा मोर देन 5000 थाउजेंड आपको मिलेंगे ऐसे याद करने के सिक्स का ए आपने लगा दिया है चलिए चलिए चेक ये करना है क्या ये सही है वर्षा आपका स्वागत है वर्षा दीक्षु ईशु प्रियंका मलिक और कोनार्क मित्तल साथ में है रौनक और हर्षिता सिंह

इनविजिबल नेता लोग कोरोना के टाइम पर इनविजिबल हो गए हैं है ना बिल्कुल नहीं दिखते हैं और जैसे ही चुनाव का टाइम नजदीक आएगा वो हमारे घर के दस दस चक्कर लगाएंगे तो चलिए इवरेबल इज द राइट आंसर के ए ऑप्शन को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर दीजिएगा जी बिल्कुल चलेगा डीयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिएगा वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिड मतलब भाई ऊपर वाले ने जो लिख दिया वो होके रहेगा वन हु बिलीव दैट एवरी बोलते हैं उसको, बोलते है, बोलते है, बोलते हैं, हैं हैं। या एक बार फटाफट आप रुक करिएगा और हाँ बिल्कुल छू मंत्र हो जाते हैं भाई नेता लोग गूगल बाबा की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है फटाफट बताइएगा फटाफट बताइएगा विच नॉट बी सॉल्व आपको लिखना था विधि विच नॉट बी सोल्व चलेगा डियर्स एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा और हम लोग अभी चेक करते हैं कि सही जवाब किसका रहेगा तीर किसका निशाने पर जाकर बैठता है ऊपर वाले अगर आपने हमें भेजा है तो रोटी का जुगाड़ करके भी भेजा होगा यानी कि आप भूखा उठा उठा जरूर सकते हो भूखा सुलाते नहीं हो ऐसी आ, किसी की विचारधारा होती है तो ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं लेजेंड बोलते हैं क्या अरे लेजेंड्स तो वो होते हैं जो अपने अपने दम पर अपने बलबूते पर कुछ डिफरेंट करा है जिन्होंने उनको लेजेंड बोला जाता है किसी भी फील्ड में किसी भी फील्ड में ध्यान रखिएगा चलिएगा सी आप लोगों ने लगा दिया फेटलिस्ट <coughs> अच्छा जी फेटालिस्ट आप लोगों ने लगा दिया है अभी देखते हैं सबने ही से, सेवेंथ का

या कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ तो दही वगैरह खा करके निकला करो कुछ मीठा खाया करो तो ऐसे बिलीफ को नहीं मानते हैं तो उसको हम लोग एपोस्टेट बोलते हैं भाई चलेगा डियर्स बिल्कुल सही जवाब है मनीषा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर लगा देता हूं और इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है दैट कैन नॉट बी क्यूर्ड जिसका इलाज नहीं हो सकता है इसको खोल देना यार खोल दो खोल दो इसको हटा दो

एवरी फ्राइडे को आ, भाई दोपहर दो, दो बजे रात को नौ बजे डेली लाइव होते हैं संडे हम लोग स्किप कर लेते हैं लेकिन अभी सोच रहे हैं कि स्किप ना करें मुस्कान जंगड़ा इट का सेकंड लगा दिया आपने इनक्योरबल अच्छा जी प्रिंसी ने भी बी लगाया है इनक्योरेबल लगाया है प्रदीप मलिक ने सीमा जांगड़ा यानी कि दीक्षा बेटिया ने कोनार्क मित्तल और दीपांशु बेटे ने सेकंड लगाया है इनक्योर्बल आप लोगों ने लगाया तो इसी के साथ मैं बता देता हूं इज आंसर डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब है इनक्यू आर्बल इनसेबल जो है इनसेटिएबल एक्चुअली बोला किसको जाता है लेकिन उसके बाद में इन डिस्प्यूटेबल है और फ्लेक्सीबल है बिल्कुल आसान से हमारे वर्ड्स हैं बिल्कुल आसान से हमारे वर्ड्स हैं और Which, अ, आ, 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 कोई पर्सन है या कोई चीज है जिसको सेटिस नहीं किया जा सकता है। उसको बोला जाता है जैसे मेरा छोटा बदमाश है इनसेबल आप आप है यह बंदा बिल्कुल इनक्योरेबल है उसको लाइलाज बोला जाता है हंसने की जरूरत नहीं है इनक्योरेबल होता है उसको लाइलाज बोला जाता है इनडिस्प्यूटेबल होता है यानी कि जिसके ऊपर किसी को कोई डिस्प्यूट नहीं है जो बिल्कुल हां कर देते हैं सारे यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे यार बगैर वाद विवाद के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन आपने देखा होगा इनडिस्प्यूटेबल वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन फिर उसका नाम बोला जाता है डब्ल्यू डब्ल्यू में टी एन ए में एम एम ए में मिक्स मार्शल आर्ट जिसको बोली जाती है इनमें इस तरीके से कमेंट्री की जाती है फ्लेक्सिबल जो होता है वो क्या होता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो झुक सकता है बंदा जो जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको फ्लेक्सिबल बोला जाता है

कु इज इनसेबल फोर ऑप्शन राइट ही बार फटाफट बता दीजिएगा वन हु बिलीव इन गोड इज गोड वॉट इथियनोस्टिक या साइकोपैथ चलेगा नाइन्थ का ए आपने लगा माई गोड नाइन्थ का ए लगा दिया है रचना मोलिक वन हु बिलीव इन गोड हाउ कैन इट बी पॉसिबल विद ही है थ का ए लिख करके अभी एक लिख कर दो लिखा है आपने अच्छा फटाफट काट भी दिया है दीपांशु बेटे एथिस्ट लिखा है मितल। आपने ये क्या किया एथिस्ट का मतलब नास्तिक होता है हु गॉड कॉल्ड एथिस्ट और जो थीस्ट होता है वो आस्तिक होता है जिसकी भगवान के अंदर श्रद्धा होती है क्या होती है श्रद्धा हाँ श्रद्धा कपूर की बात नहीं कर रहा हूं श्रद्धा की बात कर रहा हूं एग्नोस्टिक जो बंदा होता है एग्नोस्टिक की अगर बात की जाए ना तो उसको पता ही नहीं है भगवान है या नहीं है वो कुछ नहीं कहता पता नहीं भाई, ना, मतलब वो एक फिक्स में है, है या नहीं है उसको एग्नोस्टिक बोला जाता है साइकोपैथ साइको सुना है आपने कि ये आदमी तो भाई साइको है साइको मेंटली डिसऑर्डर्ड जो होता है मेंटली डिसऑर्डर्ड जो होता है उसको साइकोपैथ बोला जाता है और साइको इसकी शॉर्ट फॉर्म है है साइकोपैथ का क्या साइको तो भाई यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड थीस्ट चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ये लास्ट आ, आ गया इसके बाद दूसरा सेट के लिए हम लोग चलेंगे वन हु लेज टू मच स्ट्रेस वन who टू मच स्ट्रेस ऑन बुक लर्निंग इज is वॉट फाइलो Philobiblian, flatlist, recluse या पेडंट फटाफट बताइएगा चलिएगा 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 एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा श्रद्धा बोले तो श्रद्धा अरे भगवान के अंदर जो श्रद्धा होती है बेटे उसी की बात कर रहा हूं मैं का फोर्थ लगा दिया है विधि ने पेडंट विधि शाबाश जियो कुछ दिनों तक विधि कल्टी मार गई थी और इसका जो रिजल्ट है ये हमारे सामने है पेडंट लिख दिया है दीक्षिशुरा और दीक्षा बेटे ने भी यहां पर पेडेंट लिखा है रोनक और प्रिंसी ने भी पेडेंट लिखा है पर दिमाग ठीक तो है दिमाग ठीक तो है वन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुक लर्निंग बुक के लिए कौन सा वर्ड है बिबलियो फाइल सुना था एक वर्ड बिबलियो फाइल सुना था तो फाइलो बिब्लियन वही तो है फाइलो बिब्लियन बिब्लियो फाइल को ही बोला जाता है भाई पेडेंट का मतलब क्या होता है ग्रामर रूल्स के, के बारे में बड़ा केयरफुल होता है वो बंदा गेटिंग माई पॉइंट री क्लूज हमारा क्या था री और क्लोज से हमने याद किया था री का मतलब है दोबारा क्लोज का मतलब है बंद करना यानी कि सन्यासी बनने के लिए दोबारा उसने अपने आप को बंद कर लिया तो रिक्लूस का मतलब सन्यासी हो गया फ्लेट लिस्ट हमने याद करा था हु कलेक्ट पोस्टेज स्टैंप्स तो हमारा बचा ऑप्शन ए और इसी के साथ में ऑप्शन ए इज राइट आंसर कमाल कर दिया कमाल कर दिया आप लोगों ने बिल्कुल किसी ने ध्यान से देखा हो तो सर की शर्ट तो नहीं है टी शर्ट है पर इंग्लिश जो लिखा हुआ है हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल कभी कभी गलत जवाब भी देने चाहिए वाह जियो 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 अभी फटाफट एक बार बता दो मालिकों प्रभु रिकैप करने की जरूरत है या सेकंड सेट के लिए चल पड़ू बता दो अगर इसी तरीके से जवाब देने हैं तो भाई मतलब कभी ऐसा होगा हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को ठीक है ऐसी ऐसी हरकतें ना करा करो मतलब कि एक ने स... सबने ही एक साथ इतना गलत जवाब दे दिया हिला डाला रे बाबा बिल्कुल पूरा आप लोगों ने सो जस्ट डू लेट मी नो वेदर यू लाइक टू गो फॉर और फॉर अ न्यू सेट सो डू लेट मी नो सेट आपने बोला है सेट आपने बोला है तो अभी आपने एक छोटा सा काम करना है कि आपका ऑन स्क्रीन टेस्ट यहां से शुरू होगा क्या 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 ऑन स्क्रीन टेस्ट आपका यहां से शुरू होगा और अपने अपने जो मार्क्स हैं वो जोड़ना शुरू कर लीजिएगा तो यहां पर हम लोग जाते हैं जी अपने नए सेट के लिए और मैं नया सेट यहाँ आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं मुझे एक बार आप लोग बता दीजिएगा कौन से वाले सेट की तरफ है 16. जी 16 की तरफ हम लोग चलते हैं और आपकी स्क्रीन पर अभी लग जाता है चलिएगा गो फॉर सेट नंबर सिक्सटींथ बिल्कुल रेडी है भाई पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका ऑन स्क्रीन टेस्ट शुरू हो चुका है नंबर अपने काउंट करना शुरू कर देने कर दीजिएगा वर्षा डेफिनेटली चलिएगा बहुत ही बढ़िया है भाई सेकंड सेट आ गया प्रदीप चलिएगा न्यू सेट आ चुका है अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कॉल्ड व्हाट ध्यान से जवाब लगाइएगा पानी वानी पीना तो पी लीजिएगा फिर मैं बोलता हूं जल्दबाजी मत करिएगा जल्दबाजी मत करिएगा चमत्कार हो गया हां बिल्कुल ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज कॉल्ड व्हाट मास्क मास्क मॉस्क, फिर है आपका मैस्क एमएस के को अमेरिकन इंग्लिश में मैस्क बोला जाता है ठीक है या फिर मैस्कॉट तो फोर ऑप्शन आर राइट हियर एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा और सही जवाब लगाना है बोस बिल्कुल सही जवाब लगाना है ध्यान से लगाइएगा घर में पीना है? I have been waiting for your answers. टेस्ट आ चुका है विकास एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा okay. चलिए। फर्स्ट का डी लगा दिया है वर्षा फर्स्ट का फोर्थ लगा दिया है अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा शाबाश। मतलब वाह भाई वाह, वाह, भाई वाह। वा, वा, सबने ही फर्स्ट का फोर्थ लगा दिया है पेडेंट जो अक्सेसिवली अः वो करता है ग्रामर के रूल्स के साथ में वो जुड़ा रहता है थोड़ा सा शो ही होता है शो ऑफ करने वाला होता है नॉलेज का तो ऐसे आदमी को पेडेंट बोल दिया जाता है यार सब ने डी लगा दिया एक बार फिर से बिल्कुल गलत जवाब दे दिया है मैस्कट क्या होता है यार अपने जो लकी चार्म होता है वो मैस्कट होता है कोई भी काम करने से पहले हम कोई चीज इधर अपने साथ रख लेते हैं ये मेरा लकी चार्म है उसको मैस्कट बोला जाता है यार मास्क का क्या होता है डी ऑप्शन बताया मैंने डी ऑप्शन का मतलब लकी चाम होता है फर्स्ट जो ऑप्शन है मास्क ये हमारा कवर होता है फेस के ऊपर हम मास्क लगा देते हैं तो वो कवर होता है मोस्क का क्या होता है अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ मुस्लिम्स जो मस्जिद होती है उसको मोस्क बोला जाता है जबकि सी ऑप्शन है वो एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है मैस्क एम ए एस के सी ऑप्शन इज द राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक करिएगा C. तभी तो कह रहा हूं बेटे सिर्फ डी आपने सर्च करा बाकियों का भी एक बार आप चेक कर लेते बाकियों, बाकी जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स को भी चेक करना एक बार शुभम बेटे चेक करना अब ए लगाने का क्या फायदा है प्रभु बस हिमालय की तरफ जाने का मन कर रहा है बालक और बालिकाओं आपका ऐसा भयानक परफॉर्मेंस uh, आपकी देखकर इतनी भयानक प्रस्तुति आपकी देखकर मेरा मन कर रहा है संन्यास ले लो बस हे भगवान पाप बहुत बढ़ गया है धरती के ऊपर अभी थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई स्कैटर थिंग्स अमोंग अदर्स अमंग स्कैटर थिंग्स अमंग अदर्स चीजों को दूसरों के बीच में मैं क्यों बताऊं आप बताइए ना लगाइए स्कैटर थिंग्स अमंग Others is called what? Interpolate, intersperse, इंटरसीड intervene. फटाफट जवाब दीजिएगा अरे प्रिंस बेटे आप पता चलेगा आपका करेक्ट है या नहीं है वो पहले वाला तो जा चुका है साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखना सेकंड साथ में लिखना फिर देखते हैं अभी सबसे सही जवाब किसका होता है फटाफट करिएगा लेट्स चेक इट आउट द वेरी फर्स्ट कॉमेंट कम्स फ्रॉम किसकी तरफ से <laughs> अच्छा जी बेटा कोई बात नहीं मैंने आपको बोला वर्ड्स आप सर्च करो शुभम वर्ड्स को आप ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में चेक करना ऑक्सफर्ड में ही चेक करना कोलिन या कोई आ, इंडियन डिक्शनरी है उसमें चेक मत करना फर्स्ट का डी आपने लगा दिया इंटरवीन अच्छा हो इंटरवीन लगा दिया आपने यहां पर भी हमारे वो कैब का सेशन काम आएगा इस क्वेश्चन में भी लेकिन दो बजे वाला सेशन काम आएगा इसमें वो कैब वाला सेशन काम आएगा बता दूंगा कैसे याद करा था हमने हमने एक स्पास वर्ड याद करा था याद करो स्पास को हमने याद करा था इस पार से उस पार तक स्पास को इस पार से उस पार तक याद करा था इस पार से लेकर उस पार तक सब फैला पड़ा है सब बिखरा पड़ा है स्कैटर का मतलब क्या होता है बिखराना ही होता है थिंग्स अमंग अदर्स यानी कि इसका मतलब इंटरस पास हो गया इंटरस पास हो गया इसका मतलब यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इंटरपोलेट जो है ये क्या है इंटरपोलेट का मतलब क्या होता है एक्चुअली टू इंट्रोड्यूस समबडी इज कॉल्ड इंटरपोलेट किसी चीज का किसी आदमी का इंट्रोडक्शन करवाना हमारा इंटरपोलेट होता है किसी चीज के बारे में बताना इंटरपोलेट होता है जबकि इंटरसीड है हमारा और इंटरसीड क्या होता है किसी के बिहाफ पे प्ली करना प्रार्थना करना यानी कि किसी के रिप्रेजेंटेटिव बन करके कोई बात करना इस्ड इंटरसीड होता है जबकि इंटरवीन जो होता है इंटरवीन का मतलब टू गेट इंट्रोड्यूस्ड होता है टू गेट इंट्रोड्यूस्ड इंटर inter, इंटरवीन होता है जबकि जो ऑप्शन हमारा सी है इंटर ए है माफ इंटरपोलेट है, वो टू इंट्रोड्यूस है टू इंट्रोड्यूस और इंटरवीन है टू गेट इंट्रोड्यूस्ड ठीक है बात समझ आ गई तो इंटरस्पर्स है ये हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड चलिएगा चलिएगा ये मेरे को दिख रहा है यानी कि भारत का भविष्य किस दिशा में जा रहा है ठीक है थर्ड क्वेश्चन लग चुका है आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल नहीं बेटे आर्टिफिशियल बोला जाता है आर्टिफिशियल पोंड और टैंक फॉर कीपिंग फिश एंड वॉटर प्लांट्स इज कॉल्ड वॉट आर्टिफिशियल पोंड और टैंक फॉर कीपिंग फिश और वॉटर प्लांट्स इज कॉल्ड वॉट पोडियम करीजेंडम या एक्वेरियम या मेमोरेंडम एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा और देखते हैं सही जवाब किसका होगा नहीं तो सर आप जी पर चले जाएंगे क्या बात है प्रियंका बिटिया कितना अच्छा शब्द यूज करा है आपजी आप जी हमने याद करा था अपोज से जब से अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी का अपोज किया है विरोध किया है तब से वो शिखर पर पहुंच गए हैं एपची का मतलब शिखर हो गया एक्मे जिसको बोला जाता है सकता हूं तो शिखर का मतलब आपने लगा दिया है और यार ये भी कोई क्वेश्चन था बताइए right इसके बारे में कोई बताना ही नहीं है पोडियम हमारा सिंपली एक स्टेज टाइप होता है पोडियम जिसके ऊपर बोला जाता है खरीजेंडम क्या होता है खरीजेंडम करेक्ट करने से रिलेटेड है कुछ आपको अगर थोड़ा सा आ रहा हो सिक्स सेंस अगर आपकी काम कर रही हो क्वॉरिजेंडम इज कोल्ड क्या एन एरर एरर दैट दैट इज 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 टू टू बी बी करेक्टेड एन रेक्टिफाइड एररिजेंडम बिल्कुल मेमोरेंडम क्या है अ शॉर्ट नोट सर्विंग है या रिमाइंडर आप इसको बोल सकते हो वो हमारा मेमोरेंडम होता है बिल्कुल भाई बिल्कुल यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड तो इसको लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक करिएगा फटाफट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मतलब यार ऐसा आप लोग परफॉर्म कर रहे हो ना मुझे झटके पे झटके दिए जा रहे हो क्या बात है क्या बात है मैं भी आपको झटका देने के मूड में हूं अभी जल्द ही डिंपल दलाल ने भी थर्ड का सी लिखा है बिल्कुल जी बिल्कुल झटका देने के मूड में हूं तो आइएगा गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज इज कॉल्ड व्हाट गवर्नमेंट यानी कि शासन मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं शासन करने की बात कर रहा हूं ये शासन करना हमने सीखा था कई सारे वर्ड्स इसके लिए याद करे थे कई सारे वर्ड्स याद करे थे इन वर्ड्स के बाद में बताऊंगा कौन कौन से थे तो बताइएगा सीनेट हमारा पहला वर्ड है और ये वर्ड भी हमने वोकैब के अंदर आया था आपकी बेटी सीनेट की सदस्य बनेगी इसकी मैं भविष्यवाणी करता हूं कुछ ऐसा था ना बेटी सीनेट मतलब भविष्यवाणी करना बेटी और सीनेट से याद किया था चलेगा जुडिशरी थियोक्रेसी या ऑटोक्रेसी बताइएगा एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा यार ये गूगल गूगल बाबा की हेल्प लेने पहुंच जाते हो क्या फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा बोस देखते हैं सही जवाब किसका लगता है और किसका तीर निशाने पर सटीक बैठता है रिफ्रेश माय कमेंट्स फर्स्ट फोर्थ का थर्ड लगा दिया बोस शुभम ने अच्छा जी यहां पर सिर्फ एक ही वर्ड आपने चेक करना था एक ही वर्ड आपने चेक करना था जो डिवाइन के लिए गोड के लिए यूज किया जाता है बात खत्म चारों वर्ड्स के साथ में मत्था फोड़ी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी बालक और बालिकाओं जो वर्ड भगवान के लिए यूज किया जाता है उसी को चेक कर लो ना तो जो ये वर्ड है थीओ ये यूज किया जाता है किसके लिए भगवान के लिए यानी कि सी को लॉक करके बाकी सब को ब्लॉक कर दो बाकी को देखने की जरूरत नहीं है नहीं मतलब जरूरत तो है लेकिन फिर भी अराउंड आपका 99% यानी कि भगवान से रिलेटेड मे बी टू वर्ड्स आर देर दो वर्ड्स भी हो सकते हैं इसलिए बाकी को देखने की जरूरत है तो भाई सीनेट क्या होता है ये डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है उसको सीनेट बोला जाता है क्या डिसीजन मेकिंग कमेटी होती है उसको सीनेट बोला जाता है जुडिशियरी जो होती है इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका पैनल ऑफ आप जजेस होता है या बेंच भी बोल दिया जाता है वो जुडिशरी होती है थियोक्रेसी क्या होती है गवर्नमेंट बाय डिवाइन लॉज होती है और ऑटोक्रेसी क्या होती है हमारी भाई तानाशाही होती है ऑटोक्रेसी हमारी तानाशाही होती है तो यहां पर आप सी ऑप्शन को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर दो बोस बिल्कुल भाई रौनक सही जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है बोस इनकैपेबल ऑफ बींग ऑल्टर्ड Incapable ऑफ being altered इज called वॉट Unalterable. ध्यान से ध्यान से धोखा मत खा जाइएगा Unalterable, unavoidable, indispensable इनडिस्पेंसिबल या इनडिफेंसिबल बताइएगा धोखा मत खाइएगा फिर से मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से ध्यान से फिफ्थ क्वेश्चन का जवाब थोड़े से ध्यान से लगाइएगा बोज यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी बिल्कुल, बिल्कुल 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 अपना सारा ध्यान और बाल, बालिकाओं स्क्रीन पर लगाइएगा और बड़े ही ध्यान से आपको जवाब देने की जरूरत है यहाँ पर गुरु जी थोड़ा सा वृद्ध फील करते हुए फिफ्थ का ए लगा दिया है अच्छा मैंने बोला था थोड़े से ध्यान से लगाना यहां पर फिफ्थ का ए एक्चुअली लगा दिया है सबसे पहले प्रिंसी वर्षा प्रियंका डिम्पल विकासवत् दीक्षा रचना मलिक दीक्षु और संजीत नरवाल चलो यार जब इतने सारे आदमी बोल रहे हैं तो बात मैं भी मान लेता हूं मोड़ूंगा right होता है, भाई, ठीक है? जिस, जिसको चेंज ना किया जा सके अनबल जिसको भाई आ, इग्नोर ना किया जा सके जिसके बगैर काम ना चलाया जा सके ठीक है आ, हमारा जरूरी होता है इनडिफेंसिबल क्या होता है जिसकी रक्षा ना की जा सके जिससे रक्षा ना की जा सके या जिसकी रक्षा ना की जा सके डिफेंस का मतलब रक्षा करना होता है ना तो इन इनडिफेंसिबल इसी से हमारा बना है वर्ड और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारी स्क्रीन पर आ चुका है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बोस अ स्पेशलिस्ट इन द स्किन डिजीजेस स्किन डिजीज डिजीज का जो हमारा स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स लोग होते हैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट अक्यूलिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट फटाफड़े एक बार जवाब लगाइएगा देखते हैं सही जवाब किसका है हाँ बिल्कुल आराम से अरे यार मैं ग्राउंड टू अर्थ हूं ना आ, क्या बोलते हैं उसको डाउन टू अर्थ हूं ग्राउंड टू अर्थ नहीं डाउन टू अर्थ हूं मैं सिक्स <laughs> का ए आपने लगा दिया है अच्छा 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 क्या बात है क्या बात है वर्षा और डिम्पल सिक्स का ए आपने लगा दिया है बिल्कुल भाई बिल्कुल शुभम

क्या वन स्टडीज ह्यूमैनिटी इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट बिल्कुल भाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ हमारी स्क्रीन पर आ चुका है बोस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड इनकरेजिबल इनडल्ज इलिटरेट अमेंडेबल बताइएगा फोर ऑप्शंस आर राइट हियर फटाफट जवाब लगा लीजिएगा बोस और चेक कर लेते हैं कि अब की बार किसमें कितना है दम पीछे वाला क्वेश्चन तो थो थोड़ा सा आसान था हाँ बिल्कुल आर्ट्स पीछे वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल हमारा थोड़ा सा आसान था अब वाले क्वेश्चन का जवाब लगा के दिखाओ <coughs> चलिए देखते हैं देखते हैं देखते हैं सेवेंथ का ए <coughs> ने टॉप करा था बेटे 95, 96 आए थे रचना मलिक ए लगा दिया है। और यार ये लगा दिया है <coughs> चलिए अभी चेक कर लेते हैं बोस कौन सी बड़ी बात है यार अभी चेक कर लेते हैं किसमें कितना एकदम इनक्रेजिबल इज द राइट आंसर डेफिनेटली ऑप्शन इज द राइट आंसर इंडल्स जो होता है वो उसी के अंदर लिप्त होता है ठीक है िटरेट हमारा अनपढ़ होता है और कहते हैं यार अनपढ़ आदमी पढ़े लिखे से ज्यादा अच्छा होता है यार हर एक मायने में पढ़े लिखे आदमियों से ज्यादा अच्छा होता है अनपढ़ आपने सुना होगा आपकी क्लास में मैं अक्सर बोलता हूं मैं ऑफ वेज अपनी आदत सुधार लो अमेंड करना ये हमारी वर्ब बन जाती है है ना अमेंडेबल होता है जिसको ठीक किया जा सके जिसको सुधारा जा सके और जिसको ठीक ना किया जा सके वो हमारा इनखरिजिबल होता है यानी कि ऑप्शन ए को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर दीजिएगा बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया भाई एट क्वेश्चन आ गया है वो स्क्रीन के ऊपर देखिएगा आपका जब अभी मैं स्कोर पूछूंगा तब मुझे धक्का लगने वाला है ऐसा लगता है मुझे रिटर्न स्टेटमेंट टू गिव इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन देने के लिए राइटिंग में स्टेटमेंट जो दी जाती है उसको क्या बोला जाता है अडेंडम दोबारा से वर्ड आ गया ध्यान रखिएगा खरीचेंडम मेमोरेंडम या सिनोरियो सिनेरियो नहीं बोलते इसको सिनोरियो बोला जाता है बेटे चलिएगा एक बार फटाफट जवाब लगा लीजिएगा बोस और देखते हैं अब की बार कितने बच्चे सही जवाब लगा पाते हैं मेक इट फास्ट वर्षा ने एट का डी लगा दिया सिनोरियो प्रिंसी और वर्षा बहुत ही बढ़िया बहुत ही कलेजे को ठंडक पहुंचाते हुए बहुत ही लक्ष्य बेटे कलेजे को ठंडक पहुंचा दी है प्रियंका बेटे जवाब भी लगा लो प्रिंसी से बाद में बात कर लेना आपके जो अच्छा जवाब लगा दिया एट का थ्री थर्ड लगा दिया चलो सी प्रदीप मलिक शुभम प्रियंका और प्रदीप इन लोगों ने ही सही जवाब लगाया है और जो ये हमारे बड़े बड़े खां यहां बैठे हैं इतने इतने मार्क्स लेकर इन्होंने बिल्कुल गलत जवाब लगाया है जिन लोगों से मुझे उम्मीदें हैं वो उम्मीदों के ऊपर पानी पाने नहीं फिरा रहे हैं वहां पर धान भी लगा रहे हैं उम्मीदों के ऊपर पानी फिरा करके धान भी बो दिए हैं इन लोगों ने बिल्कुल एट का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर मेमोरेंडम हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था ये वर्ड आया था अ शॉर्ट नोट सर्विंग या रिमाइंडर जो होता है उसको मेमोरेंडम बोला जाता है यानी कि राइटिंग में इंफॉर्मेशन होती है भाई वो कॉरिचेंडम क्या होता है कॉरिचेंडम और अडेंडम हम लोगों ने क्या याद करा था uh, माफरेगा पोस्ट स्क्रिप्ट हमारा एक और वर्ड था किसी लेटर के सिग्नेचर होने के बाद में कुछ ऐड किया जाता है अडेंडम हो गया आपका और खोरीजेंडम का मतलब क्या बना था खोरीजेंडम हमारा बना था बना तो था क्या बना था खोरीजेंडम हमारा बना था यानी कि यानी की, यानी की, यानी कि, कि कि थिंग्स करेक्टेड इन प्रिंटेड बुक, पब्लिश होने के बाद में जो चीजें जो त्रुटियां उसमें मिल जाती हैं, जो ठीक की जानी है उसको खोरीजेंडम बोला जाता है बेटे सिनोरियो का मतलब कोई मॉड्यूल होता है ठीक है यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और जिन जिन लोगों ने अभी ये करा है ये गलत जवाब दिया है क्षमा देखा क्षमा मांगने पे आ गए हो अभी अरे बेटे पता है कलेजा बिल्कुल धधक रहा है आपके इतने आसान चीजों के जवाब भी जब आप लोग गलत देते हो ना बस वो तो मेरे घर वाले रोक लेते नहीं अब कब का हिमालय पे चला गया होता बेटे मैं तो चलेगा

Uh, दिवा सपन की को सच होना दिवा सपन का सच होना उसको बोला जाता है बिल्कुल और कई बार हमने भी यह महसूस करा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं। सेम सीन तो मैं पहले भी देख चुका हूं यानी कि जो हमारी लाइफ की हार्ड रियलिटीज हैं, जो चिंता है डर है उससे बचने के लिए अपने आप का एक वर्ल्ड बना लेते हैं हम लोग बाकी साइंस वाले अच्छा बता पाएंगे तो बताइएगा फोर ऑप्शन स्केपिस्ट रेपिस्ट पोलिग्लॉट या बेनिफेक्टर एक बार जवाब लगा लीजिएगा बिल्कुल द थर्ड लेवल चैप्टर था भाई नाइन्थ का ए लगा दिया है इसमें भी कोई सोचने की बात है स्केपिस्ट इज द राइट right आंसर बिल्कुल सही जवाब है रेपिस्ट यू अंडरस्टैंड रियली वेरी वेल वन हु कमिट्स रेप पोलिग्लोट पोलिग्लोट यहां पर एक अच्छा वर्ड आ गया है भाई पोलीग्लोट एक्चुअली होता क्या है पोलीग्लोट की अगर बात की जाए बोस तो यानी कि हु इज स्किल्ड इन स्पीकिंग सो मैनी लैंग्वेजेस कई सारी लैंग्वेजेस में बोलने में जो लैंग्वेजेस को बोलने में जो माहिर होता है उसको पोलिग्लोट बोला जाता है बेनीफेक्टर क्या होता है जो गिफ्ट देता है प्राइजेस देता है पैसे देता है या कोई ऐसी जॉब जो आपको घर बैठे तनख्वाह यानी कि पैसे पैसे आने देती है कोई आपने इन्वेस्टमेंट ऐसा कर दिया है तो उसको हम बेनी बेनिफिशरी या बेनिफेक्टर बोल देते हैं बेनिफेक्टर कोई आदमी होता है बेनिफिशरी वो जॉब होती है चलेगा डियर्स इसी के साथ में ए ऑप्शन को लॉक करके बाकी सबको ब्लॉक कर दीजिएगा लास्ट का मेरा क्वेश्चन आ गया है भाई वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड व्हाट वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड व्हाट फोर हियर ऑप्टिमिस्ट है पेसिमिस्ट है ब्लीक है और अनेकिस्ट है अनेकिस्ट बोला जाता है ध्यान रखिएगा अनेकिस्ट रश्ना मलिक साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखिए ना चलेगा रिफ्रेश माय कमेंट्स लेट्स चेक इट आउट का ए आपने बोल दिया है, है? अब अरे बेटे दीक्षा सब ठीक तो है मेरे बच्चे क्यों बेजती करवाने पे तुले हो मेरी लेकिन माय गॉड दीक्षा नहीं ये तो शुभम के काम है टेंथ का आपने लिख दिया है शुभम बेटे और दीक्षु ने भी टेंथ का ए लिखा है दीक्षा का तो यार जवाब अच्छा कट गया है अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। रोनक और मुस्कान जांगड़ा दोनों ने गलत जवाब दिया है डिंपल ने भी ऑप्टिमिस्ट लिखा है अरे भाई ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है प्रभुओं मेरे मालिकों ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं जो निराशावादी होता है having negative attitude जो होता है, उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट तो आशावादी होता है टेंथ का जवाब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ब्लीक हमारा एक वर्ड है पेल होता है फीबल होता है कमजोर जो होता है उसको ब्लीक बोला जाता है अनेकिस्ट होता है जो हंगामा मचाता है जो रूल्स फॉलो नहीं करता उसको अनेकिस्ट बोला जाता है अब अगर किसी ने यहां पर टेन ऑन टेन लिख करके भेज दिया ना कि मेरा यह स्कोर रहा है <laughs> सही बात है जवाब सही हो या गलत अपने आंसर पर टिके रहें चलिए लेकिन आंसर तब टिके रहना है बेटे जब आपको लगता है कि मेरा जवाब सही है अब लट गाड़ के नहीं खड़ा होना है ना यही सही है हाउ कैन इट बी पॉसिबल हाउ कैन इट बी पॉसिबल चलिए मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए पूछ लू एक बार लिखिए फटाफट क्वेश्चन पूछने वाला हूं एक नाइन राइट right है प्रिंस बेटे दो गलत थे दो गलत थे आठ आए हैं झूठ मत बोलो प्रियंका ने बिल्कुल सही बताया है लक्ष्य गलत है चलो अभी जनरल नॉलेज की बात है पूछ लो क्वेश्चन जल्दी बताइए फटाफट प्रदीप मलिक के सो हंड्रेड आपने बोला है यानी कि टेन ऑन टेन मेरा अभी क्वेश्चन है आप लोगों से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही एक वर्ड मैंने आपको ऐसा बताया था अ प्लेस फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं खास करके बफलोज हो गई हैं आ, हमारी काउज हो गई हैं उनको जहां पर बांधा जाता है डेरी तो जहां पे उनको रखा जाता है डेरी होती है जहां पर अपने घर में उनको बांधते हैं तो उसको अपने लैंग्वेज में ठाण बोला जाता है ठाण कि भाई भैंसों को ठाण में बांध दे है ना आपने सुना होगा तो जो ठाण वर्ड है या अपनीस वेर दे आर टैथर्ड टैथर्ड का मतलब टैथर का मतलब खूंटा भी होता है और खूंटे से बांधना भी होता है प्लेस वेयर डोमेस्टिक एनिमल्स आर टेथर्ड इज कोल्ड वॉट एक ऐसी जगह जहां पर डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक बफलो और यह बफेलो नहीं बोलते इसको बफलो बोली जाती है बफलो क्या इज कोल्ड वॉट उसको क्या बोला जाता है एक बार फटाफट बताइएगा ठाण की इंग्लिश क्या होती है वो बताइएगा कोई बात नहीं है कोनार्क तो, हैं, तो क्या बात हो गई मैटर शेल्टर और बार, नाना बाड़ा होता है ये तो भाई ठाण अलग होता है बाड़ा अलग होता है ठाण में से तो बाड़े में लेकर के जाते हैं फिर बाड़े में से वापस आकर के ठाण में बा, उनको बांधते हैं और ये वर्ड मैंने बोला था याद कर लेना क्योंकि कई सारे जो ज्यादा पढ़े लिखे आदमी होते हैं ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं जो हम हम लोगों को बोलते हैं कि ज्यादा अंग्रेज मत बनो अगर अंग्रेजी अब तुम्हें इतनी आती है तो ठान की इंग्लिश बता दो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे बता दो बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला बता दो चवन्नी घिसते घिजते घिस गई बता दो है ना और ढांडी ढापते ढह पड़ी बता दो मतलब वे कुछ इस तरीके के लोकल से लेकर के आते हैं बायर तो बार्न होता है नो नो बार्न होता है ठाण की इंग्लिश विवेरियम नहीं याद की थी हमने विवेरियम और अगर कुछ और था तो ये आप चेक करिए ये आपके लिए मेरा क्या है होमवर्क है वेल गाइस इट वाज़ ऑल अबाउट टुडेस सेशन सो आई विल मीटिंग टुमारो एट 2 पीएम शार्प दो बजे मिलूंगा ऑल द सेम हाजिर हो जाना है वहां पर और फर्स्ट ऑफ अगस्त तक ये सारा मटेरियल वो वोकैब भी चाहिए आपको और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी चाहिए 1st ऑफ अगस्त तक अगर आप पेमेंट जमा करवा देते हो 499 है